संत कबीर नगर जनपद के सिमरिया ब्लॉक के उचहरा कला गांव में प्रधान व सेक्रेटरी की मिली भगत से 50 लाख के सरकारी धन के गबन से और दुरुपयोग का मामला सामने आया। शौचालय खडंजा नाली के बिना निर्माण कराए ही पैसा निकाल लिया गया। 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी जी ने देश को ODF घोषित कर दिया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि गांव में अब शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। गांव की आबदल्ला ने CM पाटिल और DM से शिकायत पर जब जांच शुरू हुई तो इसका खुलासा हुआ। गांव को 2018 में ही ODF घोषित कर दिया गया था। उस समय प्रधान और सेक्रेटरी की मिली भगत से 518 शौचालय का निर्माण दिखाया गया, जबकि मौके पर 225 शौचालय का ही निर्माण कराया गया था। CM पोर्टल पर जब शिकायत पर DM ने जांच शुरू कराई तो प्रधान द्वारा अब शौचालय का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। एक दिन में 10 शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अलावा जो मटेरियल प्रयोग किए जा रहे हैं वो मानक के विपरीत है। थर्ड ग्रेड के ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है जो हल्की सी टक्कर से टूट जा रहे हैं। शौचालय निर्माण करने वाले राजगीर मिस्त्री का कहना है कि दो लोग मिलकर एक दिन में 3 शौचालय बना लेते हैं। शौचालय बनाने वाले मिस्त्री का कहना है कि 2 से 3 साल शौचालय चल जाएगा। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस गुणवत्ता का शौचालय निर्माण हो रहा है। इसके अलावा खडंजा निर्माण के नाम पर 25 लाख से ज्यादा का गोलमाल किया गया, बिना खडंजा लगाए ही सरकारी धन निकाल लिया गया। वहीं DM का कहना है कि मामले की जाँच शुरू कराई गई है, लेकिन प्रथम दृष्टता सरकारी धन के गबन की बात सामने आ रही है। प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, साथ ही दोनों से सरकारी धन की रिकवरी भी की जाएगी। लेकिन प्रधान ने 518 शौचालयों का पैसा निकाल लिया, बनवाया नहीं। हमने RTI जब मांगी, जब खुलासा हुआ तो उसके बाद शौचालय वो भी मानक विहीन नहीं बन रहा है, मानक के विपरीत बन रहा है। और यहाँ 14वें वित्त से 2018 में लगभग 2.5 लाख रुपया खड़ंजे का और 40,000 रुपया मिट्टी कार्य का दिखा करके अबुल बयान सेठ के घर से और आंगनबाड़ी केंद्र तक खड़ंजा दिखाया गया है, वो भी जमीन पे नहीं है खड़ंजा। लोगों को जैसा कि ये मामला कल संज्ञान में लाया गया विभिन्न स्रोतों से, इसमें पता करवाया गया। वैसे भी जो बड़े गांव थे जहाँ पे ज़्यादा पैसे दिए गए थे उनकी इंडिपेंडेंटली भी पर ब्लॉक जाँच कराई जा रही थी, उसमें भी हमारे जिला पंचायत राज अधिकारी ने ये बताया है कि इस गांव की जांच की गई है। प्रथम दृष्टया जो बात बताई जा रही है कि वहां पे धन का दुरुपयोग और गबन होना पाया गया, उसमें पत्रावली DPRO ने तैयार कर ली है और तत्काल ही अब उसमें प्रधान के विरुद्ध जो कार्रवाइयाँ होनी है पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत, अन्य दंड विधाओं के अंतर्गत, और साथ ही साथ जो पैसा सरकार का वेस्ट पाया गया है उसकी पूरी की पूरी रिकवरी, ये सारी कार्रवाइयाँ उसमें कर रही है। तो सर देखा जा रहा है कि प्रधान और सेक्रेटरी दोनों लोग थे इसमें, तो क्या सेक्रेटरी भी कुछ कार्रवाई होगी? सेक्रेटरी पे अवश्य कार्रवाई होगी, सेक्रेटरी के विरुद्ध विभागीय नियमों में भी कार्रवाई होगी और सेक्रेटरी से भी रिकवरी की जाएगी। प्रधान जी क्या कहते हैं? आज लहना बनवावे बाबू तब हम कहे कि नहीं हम बनवाए ना, हमें पैसा दे बदने में नहीं बनवाए पाए कुछ अपने लक्ष्य लगाए तब। तो क्या कहे प्रधान जी? तब कहा था नहीं हम दई था थप के बना थे वही था बनाए, तब वो हमारे मन के नहीं है, अब हमारी परिवार बात है हम का कल उतना बनवाए।